बाहर निकलते तो पुलिस के डंडा खाते नहीं है, घर में रहते तो खैला भी नहीं मरते नहीं। मास्क भी नहीं लगाए हैं? मास्क लगा लो ना, क्या गमछा से नहीं मुंह ढकने आई। आपका मानना है कोरोना नहीं है? ना नहीं, ये सब बकवास है। बकवास मास्क नहीं लगाए हैं आप? नहीं तो हम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, देखिए एक गज का दूरी है। काम करके आ रहे हैं गांव के, मतलब मेन प्रधान तो अभी रुवे भाई ना फिलहाल में, और वे मास्क नहीं लगे ले तो गांव के लोग कहाँ से ये सब लगाएंगे? आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है? पहन लेंगे अभी, पहन लें। आप मास्क लगाने का आपका तरीका गलत है। नमस्कार प्रणाम, हम शुभम मिश्रा आज आप सभी को वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत चंपापुर में लेकर आए हैं, और आज इस पंचायत में इस मार्केट में यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो लॉकडाउन लगा है, जो सरकार का नया गाइडलाइन आया है, उसका कितने लोग पालन कर रहे हैं, कितने लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कितने दुकानें अभी खुली हैं, कितने दुकानें नहीं खुली हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे। आप जानते हैं सर कोरोना के बारे में, कोरोना का है? पहले ना सर्दी बुखार होता रहे, आज लेके सर्दी बुखार, तो जब सर्दी बुखार होता है तो कोरोना हो जाता थे। आपका मानना है कोरोना नहीं है? ना नहीं, ये सब बकवास है। बकवास बा। जितने लोग मर रहे हैं अभी आंकड़ा करीब 3-3.5 लाख के पास पार पहुंच चुका है, तो उस पर क्या कहिएगा? तो पहले लोग ना मरते रहे महाराज, आज वो लोग मरता है, वो कोरोना से मरता खाली। मास्क भी नहीं लगाए हैं? मास्क लगा लो ना, गमछा से नहीं मुंह ढकने आई। अच्छा, तो मतलब ये जो कोरोना का बहाना है तो सरकार की तरफ से झूठ बोलती है ना? सरकार तो झूठे बोला था, मानी तो जो लॉकडाउन लगा था एक खिलाफ बानी की एक पक्ष में बानी। लॉकडाउन के तो खिलाफ ही ना महाराज, कहती जो रोजी रोटी रहे तो चलिए गई। पिछला लॉकडाउन जो एक साल लगा रहा है, मेरुआ जीवन में कोनो आर्थिक तंगी भई रहे की ना? भाई रहे तंगी काहे, खूब बताई हमने के मजदूरी को के खाए वाला आदमी भाई दे बताई रोग है, आ हमने के मजदूरी नहीं खेला गो तो तंगी नु बा। सरकार तो राशन देते रहे ना रुवा के 2 महीना में। हमने के राशन ही बताई हमारा नाव से राशन बा, ठीक बा, ओमे हमार ना पत्नी के नाव बा, नाव में हमार बच्चा के नाव बा, तो ओकनी के राशन तो नहीं मिला। देखो हमारा राशन मिला से उजी जी सो, अब बताई 5 गो आदमी में ओमे से 3 जने के मिलते नहीं, एगो आदमी के नाव से थोड़े जी जाई आदमी 5 गो आदमी। अपने से बताई मजदूरी को के खाते हैं हमने के, तो मजदूरी ना लगी तो कहाँ जाइली हमने के, आखिर तो मरबे कैली, लेकिन मर ले तो बताई ना, तो बाहर निकलते तो पुलिस के डंडा खाते नहीं है, घर में रहते तो खैला भी नहीं मरते नहीं। आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है? पहन लेंगे अभी, पहन ले। अच्छा, यहाँ अन्य सारी दुकानें हैं, कितने बजे बंद हो जाती हैं? 6 बजे तक। लेकिन कल तो गाइडलाइन आया कि 29 तारीख दुकानों को 4 बजे तक बंद कर देना है। हो सकता है सर। जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोनो परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो सब रह गया है। बीच में आप मतलब कोनो ऐसा दिक्कत भेल बा लॉकडाउन में रहुआ? लॉकडाउन में तो दिक्कत भेल बा, नहीं सब सामान मिला कहीं ले नहीं है, तो दिक्कत हुए ना, शादी ब्याह के टाइम अभी और का। फिर भी 12 दिन में तो बच के रहे के पड़ी ना? बच के तो रह पड़ी। अच्छा, ये बताई आगे जो लॉकडाउन लगा था, मतलब लागी ओकरा पक्ष में रुवा बानी की ना? तो रह के तो पड़ी, नखला तो माने नहीं, तो रह के तो पड़ी। ये दुकान आप कराव रह कब से चलाओ तने? 2004। और मास्क कहाँ बा? मास्क बाट है, देखिए लगे ले रुवा। कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानता नहीं की जाना था रुवा? ना जानता नहीं। दवा के दुकान चलाओ तो फिर भी कोरोना वायरस के बारे में नहीं जाना? मास्क नहीं पहन ले रुवा है लेले बोली। फिर राशन मिलेगा चाचा? ना राशन कार्ड बनवाया गया नहीं? हाँ काफी रहे ना बनल। अब इन कहाँ बनल, रिसीविंग कहाँ है? लॉकडाउन में तो पूरा दुकान उकान सरकार बंद कर दे ना, ऐसे रोज जीवन पर कोनो प्रभाव पड़ल बा की ना? उनका है नहीं, प्रभाव तो जरूर हुआ हमने के। अच्छा, ये बताई अगर आगे लॉकडाउन लागत तो ओकरा पक्ष में बानी की ना? जरूर पक्ष में बानी। हाँ मतलब अपन आर्थिक स्थिति सुधार के भी? हाँ 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 जरूर सुधार का अपना रह जाई। रुवा गांव के मुख्य रूप से का बानी? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य खुद गांव के मतलब मेन प्रधान तो अभी रुवे बानी ना फिलहाल में, और रुवे मास्क नहीं लगे ले तो गांव के लोग कहां से ये सब लगाए? ओ तो अभी घर में बानी ज्यादा मास्क अभी तो। अच्छा, ये बताइए जो पिछला लॉकडाउन लगा था, आगे जो लॉकडाउन लगने वाला है, उससे आपके जीवन पर कोनो प्रभाव पड़ा है या नहीं? प्रभाव हम लोग का तो बहुत पड़ा है, हम लोग का खेती बाड़ी में पड़ा है। कोरोना के बारे में जानते हैं? कोरोना का है? कोरोना के बारे में तो कोरोना कोरोना सुनते हैं, लेकिन कोरोना नहीं जानते हैं, न देखे हैं उसका। हम टीवी दूरदर्शन में देखते हैं कोरोना क्या है कैसा है। कुछ बताइए कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में हम नहीं जानते, हम बस यही सिर्फ जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, मास्क लगाना है, सतर्क रहना है। सतर्क रह रहे हैं एकदम। नई गाइडलाइन के अनुसार अन्य सारी दुकानें जो मुख्य रूप से स्थगित हो जाने चाहिए आज के दिन, आज के दिन सिर्फ इलेक्ट्रिक की दुकानें और जरूरी सामान की दुकानें खुलने चाहिए, लेकिन फिर भी कई सारे किराने दुकान है तथा तो कई सारे अन्य भी दुकान है जो आज तक यहाँ पे इस पंचायत में खुले हुए हैं। यहाँ पर एक टिश्यू पेपर का मास्क आता है जिसमें लिखा जाता है, जिसमें कहा गया है कि उस मास्क को आप मात्र 6 घंटा यूज कर सकते हैं, लेकिन उस मास्क को यहाँ पे लोग दिन दिन भर कह के दिन तक उस मास्क का उपयोग करते हैं। लॉकडाउन का आदेश का पालन कर रहे हैं, जैसे कि
कोरोना वायरस आज इतनी बड़ी महामारी बन चुका है हमारे बीच, जिसको हमें एकजुट होकर दूर करना है। यदि हम सतर्क नहीं हुए तो आगे हमारे सतर्क रहने लायक कुछ नहीं बचेगा। यदि आज हम सचेत नहीं हुए तो आगे हमारे सचेत रहने लायक कुछ नहीं बचेगा। हमारी एक असावधानी हमारा परिवार, हमारा सब कुछ तबाह कर सकती है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि हम पहले अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और जहां से जहां हो सके हम लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और सेफ रहें। यहां पे जितने भी ग्रामीण निवासी हैं वो लॉकडाउन की तरह से पालन करना भी चाहते हैं और प्लस उसके साथ साथ अपनी आर्थिक स्थितियों में भी सुधार करना चाहते हैं, ताकि घर में कम से कम खाने का राशन पानी का खर्चा जो है वो बना रहे। अभी तो यहां पर सारी दुकानें खुली थी, लेकिन वाल्मीकि नगर के थाना प्रभारी के आने के बाद ही यहां की सारी दुकानें बंद हो पाई हैं। कैमरा मुन्ना गुप्ता के साथ हम सुमित मिश्रा, धन्यवाद।